वालेकुम, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। माई यूट्यूब ऑडियंस, यू आर की वॉचिंग। प्लीज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ आई वॉन्ट योर सपोर्ट माई यूट्यूब ऑडियंस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो आप लोग को जैसे बताएं, हम सबके लिए इजी पीसी से रेसिपीज लाती हूँ, झटपट से बनने वाली है। वाकई में जैसे दिखाते हैं यूट्यूब पे से ऐसे कुछ नहीं होता, थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन ये वाली रेसिपी जो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आप लोग की 20 मिनट में हर रेसिपीज तैयार होगी। बस आप एक दिन पहले डो गून के रख दें, चाहे ब्रेड बनानी, चाहे पिज्ज़ा बनाना हो, कुछ भी करना हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बनाए है, ठीक है, 8 बॉल्स बनाए मैंने, ठीक है। मुझे आप लोग को दिख रहे होंगे आगे 5, लेकिन मैंने 8 बनाए थे, ठीक है। आप लोग 6-4 भी बना सकते हैं, जितनी आपके पास डो आप उतने बॉल बनाए छोटे छोटे साइज में, और उसको इक्वली कट कर लें 6 पोर्शन में, ठीक है। जिस तरीके से मैं कट कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि मैं किस तरीके कट कर रही हूँ। आपने पहले नीचे और एक ऊपर दोनों एक साथ कट लगाने हैं, देन आपने इक्वली पोर्शन में 6 कट्स लगाने हैं अपनी पेटल शेप्स के लिए, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरीके से, आपने भी ऐसी नोक वाली नाइफ यूज़ करनी जिसकी अच्छी आप लोग, अपने कटर है तो कटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे छुरी आसानी से कट हो गया था, बहुत ज़्यादा अच्छी। उसके बाद आपने एंड पे लाके पिंच करना है, कट पोर्शंस पे देखें कैसे उसका पेटल का शेप हो जाएगा, ठीक है। पेटल से शेप्स बन जाएंगे, इसके पिंच करना है आपने, जस्ट पिंच एंड पे, ठीक है। तो वो पेटल शेप में आ जाएगा आपकी डो, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा अच्छे रायते के साथ तो ये ख़तरनाक लगते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। टी टाइम रेसिपी है, बेस्ट रेसिपी, इसको आप पेटल ब्रेड बोल लें, टी टाइम ब्रेड बोल लें, बच्चों के लिए ब्रेड बोल लें, बहुत अच्छी रेसिपी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी है। इंशाल्लाह ताला आप लोग बहुत खुश होंगे रेसिपीज़ मेरी ट्राई करके। हमेशा मैं आप लोगों के लिए इजी पीजी सी रेसिपीज़ लाती हूँ, देख सकते हैं कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। क्योंकि बाकी जो और भी चैनल्स हैं वो क्या करते हैं कि लोग वीडियोस बीच में रोक देते हैं, फिर कुछ और दिखाते हैं। मैं आप लोगों से बिल्कुल वो शेयर करती हूँ जो मैं खुद ट्राई कर रही होती हूँ, ठीक है। उसके बाद टूथपिक ले लें, ऐसे निशान से बना लें, कुछ भी कर लें, स्टिक कर बना लें, बीच में से कट कट से लगा लें। बीच में आप सेसमी सीड्स भी यूज़ करते हैं, ब्लैक ऑयल के मैंने यूज़ नहीं किया है क्योंकि वो बेकार रहते, कोई खाता नहीं। वाइट सेसमी सीड तो हर कोई खा लेता है, ठीक है। तो आपने इसको हाथ से नहीं उठाना है, अपने ब्रेड को आपने चम्मच का यूज़ करना है, स्पून का यूज़ करना है, ठीक है। और ट्रांसफर करें अपनी बेकिंग ट्रे में। बेकिंग ट्रे आपकी, आपको रिमेंबर है कि वो ग्रेस हुई हुई, उस पर आपके जितने भी ब्रेड के पीस रखे हों, ग्रेस हुई ट्रे पर रखे हों, उसके बाद अपने सेसमी सीड अपने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें, ऑयल ब्रश करें, एग वॉश दे दें, और क्या कहते हैं, घी वॉश दें, ऑयल वॉश दें, जो भी आपके पास अवेलेबल वो आप वॉश दें बस इसको, और उसको कवर करके आप लोग राइस होने के लिए छोड़ दें कम अज़ कम भी 15 से 20 मिनट। ओके, मैंने 15 मिनट छोड़ा था। आप लोग देखें कितनी खूबसूरती से तैयार हुए, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट, कोई रॉकेट साइंस नहीं, ईजिली बनाएं बस अल्लाह का नाम लेके, इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। बस 15 मिनट मैंने इसको बेक किया था, कितने 180 सेंटीग्रेड टेम्परेचर था मेरा, 15 मिनट के लिए मैंने ऊपर नीचे की इसको रॉड्स पे लगा दिया था, ठीक है। और देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये डन है बिल्कुल इजीली, कोई अंदर इसकी फिलिंग विलिंग नहीं करनी, बस ऐसी बनाए टी टाइम के लिए बनाए, बहुत ज़्यादा अच्छे। बच्चों को कैचअप में दे दे रखे, बच्चों को स्पोर्ट डे पे, पार्टी में, किसी भी चीज़ पे ओकेजन से बना के दें, बहुत ज़्यादा अच्छी रेसिपी है, यमी रेसिपी है और इजी है, कोई इसमें इतना हार्ड काम नहीं है। बस फटाफट से आप डो रख के बनाएं और पटल शक दिनों बच्चों को दे दें इंशाल्लाह ताला। तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब माई चैनल, आई वॉन्ट योर सपोर्ट माई यूट्यूब ऑडियंस, प्लीज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और प्लीज़ आप लोग मेरा व्लॉग एंड तक देखा करें। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ।